वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा दूसरा टाइप का काम करेंगे। मतलब देखिए, इसमें एक ट्रैक है ऑडियो, बाकी जितना सारा ट्रैक है सब मीडी ट्रैक। तो मीडी में हम लोग काम किया है, रिदिम किया है, एक रविंद्र सॉन्ग है, बंगाली सॉन्ग है। एक्चुअली ये एक इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो ट्रैक आप लोग देख रहा है, ये माउथ ऑर्गन का बजा हुआ है। तो देखिए, इसमें ऊपर का जो है ये एक रिदिम है, नीचे भी ये भी एक रिदिम है। कॉपी करके इसको लगाया है। मतलब ये दोनों अलग अलग है, अलग मतलब इसको हम लोग कॉपी किया है। इस ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं किया है, बेसिकली इसको डुप्लीकेट बनाया है। इसके लिए बनाया है जो हम लोग रिब लेफ्ट राइट कर सकें। ये है सोलो करके हम लोग सुन लेते हैं, स्ट्रिंग्स है। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, ये हम लोग देखते हैं ये क्या है। मतलब अलग अलग करके हम सुना दे रहे हैं। ये संतूर का है, ये पियानो का एक रिदिम चल रहा है, और सेम टाइप का। मतलब हम लोग किया क्या है, एक में रिकॉर्ड किया है, इसको डुप्लीकेट करके जस्ट टोन को चेंज कर दिया है। और ये क्या है, ये बेस गिटार है, और ये बाकी सॉन्ग है। तो ऐसा टाइप का जो काम है, ये काम में हम लोग क्या, मतलब इसका मिक्सिंग क्या होना चाहिए, ये हम लोगों का यही, हम एक्चुअली इसका ऊपर जानकारी देंगे। तो देखिए, तो मीडी में हम लोग कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। पहले तो इसको रेंडर करेंगे, हम लोग रेंडर करेंगे, इसका 0 dB में करेंगे, और जिसका इसका जो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में ही हम लोग करेंगे। तो मीडी में हम लोग कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये पहले ही हम बोला है आप लोगों को। तो पहले इसको कर लेते, क्योंकि हम रेंडर करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और छोटा सा एक बात जो है, इसमें जो जो मीडी नोट है, इसका जो वेट है, मतलब ये जो वेट है, इसका जो वेट होना चाहिए वो वेट रखना है, जो होना नहीं चाहिए वो रखना नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा जब हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा कुछ रिवर्ब का टाइप का हो रहा है। मतलब इसमें हम लोग ओजोन लगाया है, और उसके बाद CLA लगाया है, मतलब आउटपुट में 2 लगाया है, और लास्ट में एक लगाएंगे। तो छोड़िए, मेनली हम लोग करेंगे क्या, इसको कॉन्वर्ट करेंगे। तो अलग अलग करके कॉन्वर्ट हो जाएगा, कितना ट्रैक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो 8 ट्रैक हम लोग अलग अलग करके कॉन्वर्ट करेंगे। कॉन्वर्ट करने के बाद अलग अलग होगा, मतलब हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, ये ड्रम है, ये भी ड्रम है, ऐसा ऐसा करके हम लिख देंगे, ठीक है। हो जाने के बाद देखिए, जो जो सुन के गान गाया है, मतलब जो बजाया है, तो उसका हेडफोन से ये लीकेज हुआ है, इसको ऑफ कर देंगे। मतलब इसको राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाकर साइलेंस कर देंगे, बस इसको भी प्रोसेस में जाकर साइलेंस कर देंगे। तो ये हमारा पहला काम है, प्रोसेस में जाके साइलेंस कर देंगे, इसको भी साइलेंस कर देंगे, ये थोड़ा लीकेज हो गया है, हो गया। और ये हम लोग ओवरराइड किया है, मतलब गाना चलते चलते उसके ऊपर हम लोग ओवरराइड किया है। तो अभी इसमें कुछ काम नहीं है। तो इसमें हम क्या किया है, रेंडर हो जाने के बाद जो माउथ ऑर्गन बजाया है, मतलब ये जो सोलो करके इसको हम लोग ये करके दिखा रहे हैं, क्या नॉर्मल, ठीक है, तब भी इसका लीकेज हो रहा है। कोई इफेक्ट नहीं है इसका अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाया है, अगर इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो माउथ ऑर्गन बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो लीड में होता है ऐसा टाइप का, जो बांसुरी में हम दिखाएंगे कैसे होता है। तो ये माउथ ऑर्गन के लिए हम लोग क्या क्या चूज़ किया है, पहले देखिए। पहले कंप्रेसर चूज़ किया है, ये वेव्स का कंप्रेसर है। उसके बाद फैब फिल्टर डिले चूज़ किया, रिवर्टेबल किया, और कुछ किया नहीं है। और इधर थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा इक्यू किया है, हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब ये थोड़ा 5K जो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि माउथ ऑर्गन का जो साउंड होता है थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी होता है,
तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। दूसरा टाइप का भी हम लोग कर सकते, ये एक टाइप का है। तो दूसरा टाइप का क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ करके ये जो रिवर्टेबल और फैप फिल्टर का लिए है दोनों अलग करके कर सकते हैं। मतलब इसमें कंप्रेसर चलेगा, इसको कंप्रेसर चलने दी, कंप्रेसर चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कंप्रेसर चल रहा है। तो मतलब हम लोग थ्रेशोल्ड इधर से चेंज किया है, मतलब -20 से हम लोग थ्रेशोल्ड चेंज किया है। इसका इनपुट है, इसका आउटपुट है, और इसका रेशियो ऐसा ऐसा टाइप का किया है, ठीक है। और कंप्रेसर का बात, हम लोग इससे पहले हम लोग को EQ देना पड़ता है, तो इसीलिए पहले हम लोग EQ दे दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर में जाएंगे। तो EQ में प्रोक्यू नहीं तो प्रोक्यू 2 देता है, कोई भी दे सकते हैं हम लोग। तो EQ में हम लोग लो फ्रिक्वेंसी जो होता है उसको कट कर देते हैं, प्रोक्यू 2 लेते हैं। प्रोक्यू 2 में EQ थोड़ा सा एडवांस है, तो इसको हम लोग लो कट कर देते हैं। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिएगा नहीं, और थोड़ा सा मिड रेंज इसको लगता नहीं है, इसको लगता है हाई रेंज का थोड़ा सा बोल्ड लगता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हाई शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा टाइप का करेंगे। तो इसमें चला के देखते हैं, देखिए फट रहा है साउंड। थोड़ा सा कम करते हैं, हो गया, इसको EQ लगा दिया है। ऐसा टाइप की EQ करना नहीं चाहिए, जो EQ वो करने के बाद फट जा रहा है, ऐसा टाइप का करना नहीं चाहिए। उसके बाद डायनामिक्स का अंदर हम लोग C1 लगाएंगे, जो था वही हम कर देते हैं। इसको -20 थ्रेशोल्ड कर देते हैं, -20-23 कोई भी, और इसका थोड़ा सा रेशियो बढ़ा देते हैं, और इसका थोड़ा सा रेशियो बढ़ा के ऐसा टाइप का करते हैं, और इसका और कुछ चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ये हम लोग 44.2 किए हैं, फिर से सुनते हैं। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग इधर 2 इफेक्ट्स चैनल ले लेंगे, एक का अंदर रखेंगे डिले, और एक का अंदर रखेंगे रिवर्ब। ये डिले और रिवर्ब मास्टर होता है एक्चुअली, इसको ये मास्टर इफेक्ट के अंदर पड़ता है, तो इसको देना चाहिए। इसका जो सेंड सेक्शन है, पहले देना चाहिए इफेक्ट्स फिल्टर का डिले पहले देना चाहिए, उसके बाद रिवर्ब देना चाहिए। हो गया, तो इसको सुनकर देखते हैं क्या हो रहा है। Thank you.
हम लोग सेट किया है, ठीक है। देखिए डिले चल रहा है, हम स्टॉप कर दिया है तब भी चल रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग में थोड़ा लीकेज हो रहा था, अभी भी चल रहा है स्ट्रिंग्स, मतलब ये थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है मीडी में, तो उस टाइम में आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इसको कंट्रोल एस करके फिर इसको ऑफ कर देना पड़ेगा। ऑफ हो गया, फिर दोबारा इसको ओपन करिए, रिसेंट प्रोजेक्ट का अंदर मिल जाएगा आपको, तो ओपन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से ये इसको मीडी लीकेज बोलता है, मीडी लीकेज हो सकता है, मीडी लीकेज हो जाता है, तो इसके लिए ऐसे ही करना पड़ता है। तो आ गया सेम टाइप का, तो हम लोग इसमें कुछ किया नहीं है, तो आप लोगों को हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, इसको रेंडर करके पूरा इसको वीडियो को बढ़ा के ऐसा नहीं कर रहा है, इसको रेंडर करना पड़ेगा, और ड्राम में आप लोगों को इक्यू का काम करना पड़ेगा, इसमें भी इक्यू का काम करना पड़ेगा, शॉर्ट प्लग का अंदर जो संतूर है इसके, इसमें भी इक्यू का काम करना पड़ेगा, इसमें रिवर्ब डालना पड़ेगा थोड़ा सा, इस ये है गिटार है, ये भी है, पियानो है, पियानो में थोड़ा सा रिलीज डालना पड़ेगा, और गिटार में थोड़ा सा हल्का सा रिवर्ब डालना पड़ेगा, और इसके अंदर जो है बास गिटार में इक्यू करना पड़ेगा, और ये बॉडी पैड्स हैं, इसको भी रेंडर करके जो ऑडियो वेब फाइल बनेगा उसको भी इक्यू करना पड़ेगा, थोड़ा सा शार्प उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, पुराना ट्यूटोरियल हमारा जो ट्यूटोरियल है वो ट्यूटोरियल में बहुत सारा दिया हुआ है, वो देखेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कौन सा फ्रीक्वेंसी में क्या क्या देना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट में हम लोग दिखा नहीं कैसे इसको मिक्सिंग करते हैं, तो अभी हम लोगों को मिक्सिंग जो करना है ये हम लोग प्रोजेक्ट पहले तो कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करके पी को प्रेस करना है, पी फॉर पटना, पी फॉर पोलैंड, तो इसको एक्सपोर्ट ऑडियो मिक्स डाउन में जाइए, और आप लोगों को ये MP3 करना है, अच्छा क्वालिटी मिलने के लिए 44 वेब फाइल में करना चाहिए, MP3 जस्ट सुनने के लिए MP3 320 KBPS में करना चाहिए, इसमें आप लोग टैगिंग लिख सकते हैं जो हम लिखा है इसके म्यूजिकल बोल के लिखा है, तो इसमें रियल टाइम एक्सपोर्ट कर दीजिए, और रियल टाइम एक्सपोर्ट ये जो चेक बॉक्स है ना ये अगर आप लोग करेंगे तो चलते चलते आप लोगों को सुनाई देगा, तो तभी सुनाई देगा जब इसमें VST कनेक्शन में स्टूडियो के अंदर ये सिलेक्ट रहेगा, मॉनिटर अगर सिलेक्ट रहेगा तभी सुनाई देगा, ये अगर डिजेबल रहेगा तो वो सुनाई नहीं देगा, तो रियल टाइम एक्सपोर्ट में थोड़ा क्वालिटी अच्छा होता है, तो उसमें रियल टाइम एक्सपोर्ट करना चाहिए, रियल टाइम एक्सपोर्ट करके आप लोग सुनिएगा, अगर आप लोगों को स्पीकर में इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें कुछ छेड़छाड़ करने का नहीं है, दूसरा अच्छा क्वालिटी का स्पीकर में सुनना है, मतलब आपका जो स्पीकर है वो स्पीकर में जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है हो सकता है दूसरा स्पीकर में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले दो चार जगह पर सुनना है उसके बाद चेंज करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग देखते रहिए, हम एक एक करके जितना सारा मास्टरिंग लेवल और नॉर्मल मिक्सिंग लेवल का जो ये होता है, मतलब जो प्लगइन्स होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।